ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़, और इसके अंदर जो है क्लासेस वगैरह लगती हैं। और ये रही यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जो कि अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये है यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी जगह, जो कि है कैंटीन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, आज जो मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ था, एकेटी यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम था, तो मैंने सोचा अपना काम भी कर लेता हूँ और आप लोगों को जो है एकेटी यूनिवर्सिटी का टूर भी दे देता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने बी फार्मा कर रखा है रामेश्वरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से, जो कि मेरा कॉलेज रामेश्वरम कॉलेज जो था वो एकेटी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और ये मेरा कॉलेज जो है जस्ट एकेटी के सामने ही है। और ये है यूनिवर्सिटी की कैंटीन, और इसके जस्ट सामने ही ये जगह हम लोगों को जो है बहुत ही यादगार जगह है। जब भी हम लोग जो यूनिवर्सिटी वगैरह विज़िट करते थे, कोई सेमिनार हो या कुछ फंक्शन हो, तो इसी जगह पे बैठ के हम लोग लंच वगैरह किया करते थे। और ये सामने जो है बिल्डिंग दिख रही है, कलरफुल सी बिल्डिंग, जो कि यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो इसके अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर से लाइब्रेरी दिखती कैसे है। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। जो लोग एकेटीयू के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि एकेटीयू के मेन कैंपस के अंदर जो है क्लासेस वगैरह नहीं चलती थी पहले। तो यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ऑफिस वर्क वगैरह ही होता था, यानी कि एकेटीयू से जितने भी कॉलेज एफिलेटेड है उनके जो है उनके स्टूडेंट के एग्ज़ाम डेट कब आएगी, प्रैक्टिकल डेट कब आएगी, रिजल्ट किस डेट पे जारी होगा, ये सब जो है यहाँ इस एकेटीयू के कैंपस से ही कंट्रोल होता था। पर अभी जो है यहाँ पे एकेटीयू के कैंपस के अंदर भी जो है काफ़ी कोर्सेज़ की जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और ये है सेमिनार हॉल। कॉलेज के डेज़ में हम लोग के कॉलेज वाले यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेके आया करते थे सेमिनार वगैरह अटेंड करने के लिए, और ये फ़ोटोज़ इसी सेमिनार हॉल की ही है। तो गाइज़, वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।